संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लोकतंत्र को बाहुबलियों और अपराधियों से बचाने के लिए देश में मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए और जो मतदान ना करे उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। मतदाताओं के समक्ष भी एक विकल्प होना चाहिए कि अगर चुनाव लड़ रहा कोई भी उम्मीदवार उसे योग्य ना लगे तो वो नो वोटिंग लिख सके। अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है जो बहुत बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या घोषित अपराधी लोकसभा विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, लोकसभा विधानसभा निर्वाचित होकर पहुंच जाते हैं, उन पर अंकुश लगे। एक सर्वेक्षण बताता है कि हर तीसरा भारतीय भ्रष्ट है, यानी कि 30% लोग भ्रष्ट हैं, 50% लोग भ्रष्ट होने के कगार पर हैं, केवल 20% लोग हैं जिन्हें हम पक्के तौर पर ईमानदार कह सकते हैं।